हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉटन के अस्तर पर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो यहाँ पर अस्तर की लेंथ है वो है 33 इंच। तो यहाँ मैं अस्तर को मेन फैब्रिक से 4 इंच जितना कम रख रही हूँ। तो यहाँ पर कुर्ती में फ्रंट और बैक हमारा दोनों डीप रहेगा, तो हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच। तो यहाँ पर हमारा तैयार जो शोल्डर था वो था 40 इंच का, तो उसका हाफ होता है 7 इंच। तो उसमें से मैंने 1 इंच माइनस करके 6 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर आर्मोल का हमें निशान लगाना है 6.5 इंच पर, कमर का निशान लगाना है 14 इंच पर, और जो हमारा हिप का निशान आएगा वो आएगा 20.5 इंच पर। अब यहाँ पर आपका जो चेस्ट साइज है उसमें आपको 3 इंच प्लस करना है और फिर इससे 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आ रहा है 9.5 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पर कमर में हमें 2 इंच लूजिंग का ऐड करना है और फिर उससे 4 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरह से कमर का निशान मैंने लगाया है 8 इंच पर। सेम इसी तरह से हिप साइज में हमें 3 इंच लूजिंग ऐड करना है और फिर इसे 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ मैंने निशान लगाया है 10.5 इंच पर और 1 इंच फोल्डिंग के लिए। अब इन सब निशानों को इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पहले हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। ये हो गया हमारा बैक साइड का आर्मोल, और यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ जाते हुए हमें फ्रंट साइड का आर्मोल ड्रॉ कर लेना है। और अगर आपको आर्मोल में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से इसे मेजर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुर्ती की मार्किंग सारी हो चुकी है, नेक हम इसमें बाद में बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से एक पार्ट को हमें साइड में कर देना है और यहाँ से फ्रंट पार्ट का आर्मोल हमें कट कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी है, उसमें से हम फैब्रिक को कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। तो जो ये मेन फैब्रिक है उसको आपको बड़ा बड़ा ही कट कर देना है। तो इसे कटिंग करने के बाद मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 6 इंच चौड़ाई में और 6.5 इंच लंबाई में स्क्वायर नेक डिज़ाइन बनाया है और इसे कपड़े पर पेस्ट कर दिया है। अब साइड से हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर इसके सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और जो हमारा ये फ्रंट पार्ट रहेगा इसके सेंटर में भी हमें लाइन ड्रॉ करके इस तरह से इसे पिन से पहले सिक्योर कर देना है और फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ पर इसे स्टिच करने के बाद अंदर से हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर रहते हैं वहाँ हमें इस तरह से कट लगा देना है, जिससे ये फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनेगा। अब यहाँ पर बुकरम को इस तरह से साइड में करना है, मार्जिन सारा बुकरम वाली साइड करना है, और इसके ऊपर हमें ऐसे धार स्टिच लगा देनी है।
देखिए इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हम इसे फिर से ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर ये परफेक्ट सिंपल सा हमारा नेक डिज़ाइन फिनिशिंग के साथ बन चुका है। सेम इसी तरह से बैक साइड में मैंने यहाँ पर धार स्टिच लगा दी है, यहाँ तक मैंने प्रोसेस कंप्लीट किया है। अब यहाँ हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और शोल्डर से हमें इसे जॉइंट करना है, तो कुछ इस तरह से इसे जॉइंट करना है। तो यहाँ पर दोनों शोल्डर को इस तरह से मिलाना है और यहाँ नीचे वाले पार्ट में हमें कॉर्नर में कट लगा देना है और फिर बुकरम को इसके ऊपर फोल्ड करके स्टिच करना है। तो ऐसा करने से इस तरह से ये हमारा शोल्डर जॉइंट होगा। फिर यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ स्टिच कर देनी है। अब यहाँ मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ मैंने फैब्रिक को फोर फोल्ड करके रख दिया है। तो यहाँ पर स्लीव की लेंथ है 11 इंच, तो उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करके 12.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर यहाँ से हमें डाउन जाना है 3 इंच, तो यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपका आर्मोल है 16 इंच का तो उसका हाफ करना है, तो आ जाएगा 8 इंच, और इसे यहाँ पर क्रॉस में हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो यहाँ पर क्रॉस में मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी और 2 इंच हमारा अंदर की तरफ सिलाई मार्जिन रहेगा, और इस तरह से यहाँ पर क्रॉस में ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हम इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग का नाप लगाना है, तो वो आएगा 5.5 इंच पर और 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पर कट करने से पहले हम यहाँ से आर्मोल से हम इसको मेजर कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जो 2 पीस रहेगा उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, ये हमारा फ्रंट साइड में जॉइंट होगा। तो यहाँ पर गहराई वाले पार्ट में हमें इस तरह से छोटा सा कट लगाना है, तो हमें पता चलेगा कि ये फ्रंट साइड में आएगा। तो यहाँ पर हम ये गहराई वाला पार्ट फ्रंट साइड में रखते हुए यहाँ से इसे स्टार्टिंग से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको इसे नाप लेना है, फिर ही इसे हमें जॉइंट करना स्टार्ट करना है। आप चाहे तो शोल्डर के सेंटर से भी इसे जॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट हमारा कट टू कट आ गया है। तो अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो हमने जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था वहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। ऊपर की साइड हमने रखा है 2 इंच और यहाँ हमने रखा है 1 इंच। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है जिससे हमें फिटिंग करने में आसानी रहे। तो स्लीव्स में मैंने 5.5 इंच पर निशान लगा के इसकी फिटिंग हमें करनी है। यहाँ से हमें आर्मोल से ये मिल जाए, इस तरह से हमें यहाँ स्टिच लगानी है। तो यहाँ जो बिगनर्स होते हैं उनको चाक फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, उसका मेन रीज़न यहीं पर है कि आप यहाँ से इसे बाहर की तरफ निकाल देते हैं, वहाँ हमें नहीं निकालना। जो हमने 1 इंच का मार्क किया है वहाँ तक हमें सिलाई को लॉक करना है और फिर से वहाँ से मुड़ के हमें दूसरी सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा खुलेगा, तो अब यहाँ से हम इजीली चाक बना सकते हैं। तो ऊपर हमने 1 इंच मार्जिन दिया था, तो यहाँ भी हमें
वन इंच मार्जिन में इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर देना है और यहाँ से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। और यहाँ पर हमने कपड़े को और मेन फैब्रिक को पहले से ही जॉइंट कर दिया है अच्छे से, इसलिए हमें यहाँ इसे फोल्ड करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। अब यहाँ तक आके हमें रुक जाना है, फिर फुट को हमें उठा के इसे इस तरह से दूसरी साइड टर्न कर देना है और दूसरी साइड भी इसे अंदर की तरफ इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ से हम स्ट्रेट सिलाई लेंगे। अभी फिर से यहाँ से इसे टर्न करके यहाँ हम इसे फोल्ड करते जाना है और किनारे पर एकदम स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पर नीचे की साइड से भी इसे इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ हमें स्टिच लगा देनी है। और यहाँ से हमें सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करना है। तो इसका फिनिशिंग कुछ इस तरीके से आया है और ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।